जी एंड फिनेटिक टू 3v3 फाइट सिचुएशन में आ चुके हैं। कौन ये चिकन डिनर लेके जाएगा? फिनेटिक के पास 3 बंदे हैं, सिनर्जी के पास भी 3 बंदे हैं। फिनेटिक के 3 बंदे थोड़ा कम एचपी के साथ है, सिनर्जी के 3 बंदे थोड़ा ज्यादा एचपी के साथ है। लेकिन एक नेड आया बाजू की तरफ से, इस नेड से शायद नॉकआउट हो सकते हैं फिनेटिक के बंदे। वो थोड़ा सामने जाने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट जोन किसी के पास नहीं है भाई। नेक्स्ट जोन थोड़ा राइट की तरफ जाना पड़ेगा, रोड के ऊपर जोन दिया गया है, बहुत खराब जोन बोल सकते हो कि ओपन रोड पे जोन भाई इस पोजिशन में, इस टीयर के मैचेस में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोनों टीम रीज होल्ड करके रखेगा, जो पहले जोन के लिए मूवमेंट देगा विदाउट स्मोक वोट पहले डाउन होने वाला है। एक नॉक एंड वो नॉक यहाँ पर कंफर्म होने का चांस बहुत ज्यादा है। बाशु शायद जोन के अंदर है, यस बाशु यहाँ पर जोन के अंदर है, उसके पास गिली भी है एंड एक इम्फो, एक आई थिंक एक के एंड ऑम लेके बैठा है, ओएस ऊपर होल्ड करके बैठा है। एक और नेड आते हुए, नहीं मॉली मैं नहीं, नेड एश एंड्रॉन की तरफ से तेड यहाँ पर बहुत अच्छा पोजिशन है। ऑस्टिन एक्स को फिनेटिक ओएस ने नॉकआउट कर चुका है, ये बहुत प्यारा नॉक है फ्रॉम फिनेटिक ओएस एंड बाजू के ऊपर और ज्यादा नेड आते हुए। 50 एचपी से भी कम है टीएड अपने टीम से, जो फुल एचपी के साथ होल्ड करके बैठा हुआ है। M249 क्या फिनेटिक है, ओएस ने नॉकआउट कर दिया, ओएस ने एक नॉक किया, ओएस भी यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है। 1v2 सिचुएशन फॉर टेड राइट नाउ, एश एंड ड्रॉनक वर्सेस टेड एंड एश को भी नॉकआउट कर चुका है टेड। 1v1 सिचुएशन विद ड्रॉनक, टेड अपने टीममेट को रिवाइव देगा एंड पीछे उधर वेस्ट ऑलरेडी डाउन है, तो रौनक उसका अपने टीममेट को रिवाइव वहां पर नहीं दे सकता है। एश को, एश थोड़ा अलग जगह पर है। ऑस्टिन एस अगर इस पोजीशन में रिवाइव हो जाता है तो यहां पर मुश्किल हो जाता है एंड भाई रौनक ने 1v1 में टेड को क्लियर करके चिकन डिनर लेके गया। जी जी रौनक इन द चैट भाई।